दोस्तों, पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी बड़ा हमें क्रैश देखने को यहाँ पे मिल चुका है। क्या इस समय मार्केट के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन से कॉइन्स के अंदर कर सकते हैं, और क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मेरी पर्सनली यहाँ पे रहने वाली है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। साथ ही बात करेंगे रीजन के बारे में कि क्यों बेसिकली ये क्रैश आता हुआ हमें देखा, और सीजेड यानी कि बाइनेंस के सीईओ और यहाँ पे जो एफटीएक्स एक्सचेंज के सीईओ है उनके बीच में क्या चीजें यहाँ पे चल रही है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एंड आपको पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर सब आपको ट्रेड वगैरह मिलती रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्रैश बेसिकली हमें यहाँ पे क्यों देखने को मिला है, आगे क्या ये क्रैश कंटिन्यू रह सकता है और हम बाइंग कहाँ से अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कल वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको साथ डिस्कस कर रहा था कि सीजेड जो है बेसिकली जो बाइनेंस के सीईओ हैं, बाइनेंस के मालिक हैं, मैं आपको थोड़ी ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से आप समझ पाओ, आपको यहाँ पे कोई टिपिकल नहीं लगे चीजें। तो यहाँ पे बाइनेंस के जो सीईओ हैं, बाइनेंस के जो मालिक हैं सीजेड, उनका आप यहाँ पे देख सकते हो ट्विटर हैंडल ये है। उन्होंने बताया था कि वो अपने एफटीटी टोकन को यानी कि एफटीएक्स एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है एफटीटी, उसको यहाँ पे सेल करने वाले हैं, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए जो एफटीएक्स एक्सचेंज के यहाँ पे सीईओ हैं बेसिकली जो मालिक हैं एफटीएक्स एक्सचेंज के, उन्होंने बोला था कि हम अब जो है यहाँ पे अगर एफटी मतलब सीजेड जो है अगर हमारे टोकन को यहाँ पे सेल करेंगे तो हम भी यहाँ पे बाइनेंस के पास, बाइनेंस के जो टोकन हमारे पास पड़े हैं जो कि एक बहुत ही भारी मात्रा में है, उसको सेल कर देंगे। अब जब इनके बीच में ये थोड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे चलने लगी जो कंटिन्यू आगे हो गई, उसके बाद मार्केट के अंदर क्रैश हमें देखने को मिल गया, क्योंकि इनके पास काफी भारी मात्रा में यहाँ पे क्वांटिटी पड़ी है। अगर हम बात करें सीजेड की तो बहुत ज्यादा यहाँ पे इनके पास अमाउंट है एफटीटी टोकन का, वहीं यहाँ पे जो इसके सीईओ हैं एसबीएफ जो है यहाँ पे एफटीएक्स एक्सचेंज के सीईओ, उनके पास बहुत भारी मात्रा में किसके पास अमाउंट है, किसका, बीएनबी का। तो अगर ये दोनों सेलिंग करते हैं तो बीएनबी और यहाँ पे जो हमारा बेसिकली एफटीटी टोकन है इनके अंदर क्रैश तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ हमें मार्केट के अंदर भी क्रैश देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है ये अपनी बिटकॉइन होल्डिंग वगैरह भी यहाँ पे सेल करते हुए दिख जाए और बाकी लोग जो है अपनी बिटकॉइन होल्डिंग वगैरह यहाँ पे सेल करें इनके टोकन को यहाँ पे बाय करने के लिए डिप में। तो ये रीजन था बेसिकली जो मार्केट को यहाँ पे क्रैश ला के दिखाया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसके अंदर और भी थी जो कि मैं कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपल चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। अब बेसिकली आगे क्या चीजें हुई हैं, तो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं ओकेएक्स एक्सचेंज के भी जो सीईओ हैं वो भी यहाँ पे, उन्होंने बेसिकली क्या बोला है, इफ अनफॉर्चुनेटली एफटीएक्स बिकम अनदर लूना नोबडी इन इंडस्ट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम एडिशन इंक्लूडिंग बाइनेंस। यहाँ पे इन्होंने एक ट्वीट करना समझाया कि अगर बेसिकली एफटीटी जो है एफटीएक्स एक्सचेंज का जो टोकन है वो यहाँ पे नेक्स्ट लूना बन जाता है तो उसका फायदा किसी को यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि बाइनेंस का भी वो लॉस है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर ऐसी चीज होती है तो उसका ट्रस्ट चल जाता है लोगों से। मतलब अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर दोबारा से एफटीटी के साथ यहाँ पे ऐसी चीज होती है जो लूना के साथ हुई थी, तो सब लोगों का मार्केट से स्ट्रेस ही चला जाएगा, उसके बाद ना लोग ट्रेड करेंगे ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बाइनेंस का भी वहां पर डेफिनेटली लॉस है, कोई एक्शन यहाँ पे फायदा ना उठा पाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करा है, अब देखते हैं क्या सीजेड इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। बाकी यहाँ पे जो बेसिकली वहां के एफटीटी के सीईओ हैं, एफटीएक्स एक्सचेंज के जो सीईओ हैं, उन्होंने भी यहाँ पे एक थ्रेड में एक चीज यहाँ पे बोली है जो कि यहाँ पे बोला है कि अगर हम साथ में मिलकर वर्क करते हैं वो काफी अच्छा रहेगा यहाँ पे इकोसिस्टम के लिए। अभी तक सीजेड ने यानी कि बाइनेंस के सीईओ ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन यहाँ पे ना करा है, जैसे ही रिएक्शन आता है मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, बट अभी तक कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। बट हाँ, अगर ये लोग साथ में वर्क करते हैं तो वो इकोसिस्टम के लिए अच्छा रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो अभी यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं डिप के अंदर, क्योंकि मार्केट एकदम से पंप करती हुई हमें दिखेगी। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे देखनी है वो ये देखनी है कि यहाँ पे सीपीआई डाटा भी यूएस का निकल के आने वाला है। इन सारी चीजों के बारे में, इन सारी चीजों की वजह से उसको मत भूल जाना, क्योंकि वो मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है। सीपीआई डाटा मेरे हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा पिछले मंथ के रिगार्डिंग, और अगर पॉजिटिव आता है तो मार्केट वहां से भागनी चाहिए, स्पेशली अगर यहाँ पे एसएमपी सेमेंट भागेगी तो हमें बिटकॉइन भी भागता हुआ देखेगा। बाकी डेफिनेटली किसी को नहीं पता सीपीआई डाटा कैसा आएगा, जैसा भी आएगा 10 तारीख को हमें देखने को मिलेगा और वो मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता हुआ देखेगा। अभी तक आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे काफी डाउन है, साथ ही साथ एसएमपी सेमेंट अच्छा है, तो बिटकॉइन को भी मेरे हिसाब से स्टेबल रहना चाहिए। ये जो क्रैश आया बेसिकली इन ये जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है इसकी वजह से हमें देखने को मिला है अभी तक का जो क्रैश देखने को मिला है। अब चार्ट के ऊपर थोड़ा सा हम आ जाते हैं और समझते हैं चार्ट के अंदर क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एफटीटी टोकन के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली बेसिकली जो एक रेंज है हमारे पास, जो लेवल था वो यहाँ पे टूटा, मैंने आपको बोला था लेवल टूटा तो शॉर्ट जा सकते हो, अगर आप शॉर्ट गए होगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया होगा, अपने शॉर्ट को यहाँ पे बुक कर लेना। यहाँ से भी शॉर्ट करा होगा तो लगभग हम यहाँ पे 22% गिरे थे, अभी भी लगभग 6% गिरे हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि यहाँ से एक रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एफटीटी के अंदर, एकदम से रिकवरी हमें देखने को मिलेगी अपसाइड मूवमेंट, और ताकि यहाँ पे शॉर्ट का भी लिक्विडेशन ये कर पाए, और लगभग लगभग यहाँ तक की रिकवरी मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। तो चाहो तो एक बाय भी उठा सकते हो यहाँ पे एफटीटी के अंदर, यानी कैंडल जो है काफी बुलिश हमें बनती हुई दिखी, तो स्पॉट के अंदर थोड़ा सा बाय करा जा सकता है एफटीटी के अंदर, बट स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी अपना लगा लेना ताकि कोई बड़ा लॉस यहाँ पे ना हो। अब दूसरी चीज के ऊपर हम आते हैं वीकली चार्ट के अंदर, अगर एफटीटी को देखें तो ये लेवल टूट चुका है जो $21.5 का यहाँ पर सपोर्ट था वीकली के अंदर, इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज होती है तो काफी नेगेटिव
स्टार्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा FTT के अंदर। बाकी अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखें तो बिटकॉइन का चार्ट नॉर्मली देखने को हमें मिल रहा है। मैंने आपको बोला था कि लेवल टूटा है $21,000 का, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। टूटा लेवल, रिटेस्ट करने ऑलमोस्ट गया था प्राइस, वहाँ से क्रैश आता हुआ हमें देखा, शॉर्ट करा था, तो अभी प्रॉफिट बुक कर लो। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ प्राइस को, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेना चाहिए। ये जो लेवल है हमारा प्रीवियस हमारा सपोर्ट रह चुका है, $19,600 का ये लेवल है। इसके नीचे विक जा चुकी है, लिक्विडेशन अच्छे खासे हो चुके हैं यहाँ पे लॉन्ग्स के, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा अपसाइड यहाँ पे हमें दिखाती हुई दिखे। तो मैं पर्सनली यहाँ पे किस तरीके से देख रहा हूँ मार्केट को, आप समझ लो मेरा जो नजरिया है वो है यहाँ पे बाइंग करने का, एक्युमुलेशन करने का। थोड़ी सी एक्युमुलेशन मैं कर रहा हूँ पर्सनली मैटिक कॉइन के अंदर। मैटिक कॉइन को मैं दो लेवल पे बाय कर रहा हूँ, एक इस लेवल पे और एक इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके अलावा मैं बिटकॉइन के अंदर ऑलरेडी मेरी बाइंग है यहाँ पे $19,500 के आसपास, हमने पहले बाय करा था, अगर आप टेलीग्राम के ऊपर हो गए तो आपको याद होगा। तो बिटकॉइन के अंदर फिलहाल के लिए मैं कोई बाइंग यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। अगर आपने अभी तक कोई बिटकॉइन बाय नहीं करा, बिटकॉइन के अंदर कोई बाइंग नहीं करी है, तो आप कर सकते हो, बट एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी जितनी भी बाइंग है उसके जो प्रीवियस लो रहे हैं वहां पे स्टॉप लॉस लगा लेना, क्योंकि मार्केट के अंदर क्रैश आता है तो वो भी हमें बड़ा देखने को मिलेगा। और वो आएगा CPI डाटा के बाद, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो भी यहां पे मूवमेंट आएगा बड़ा वो CPI डाटा के बाद ही आएगा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पे जो मार्केट को इंपैक्ट करने वाला है। बाकी मुझे पर्सनली क्या लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी यहां पे चल रही है जल्दी हमें खत्म होती हुई दिख सकती है। CZ के हिसाब से यहां से अगर वो क्लियर कर देते हैं इन चीजों को, वो हाथ मिला लेते हैं यहां पे FTX एक्सचेंज के CEO से और बोल देते हैं कि हम FTT को सेल नहीं करेंगे, तो यहां पे सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं और मार्केट के अंदर दोबारा हमें तेज रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाकी आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो।